हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की लाइव क्लास में। और आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास टेंथ का। जैसे कि आपको मालूम है कि जुलाई आ चुकी है और अब हमको अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए अब अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पैटर्न्स में चेंजेस आए हैं और हमें उनके मुताबिक तैयारी करनी होगी। तो बच्चों, जो आप सभी के मन में सबसे बड़ा डाउट होता है कि भाई पूरी क्लास टेंथ में मेरे 15th चैप्टर हैं, इन 15 चैप्टर में से ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, जिनको मैं पढ़ लूंगा तो मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और किन चैप्टर्स में आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, तो उन सभी चीजों को एक साथ लेकर के आया हूं मैं आज के सेशन में। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं बच्चों, मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल और मैं पढ़ाता हूं डाउटनेट में आपको मैथ्स। ठीक है बच्चों, तो चालू हो जाइए मेरे साथ, शुरू हो जाइए और पूरे वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए बच्चों, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो भाई टॉपिक हमारे, अगर हम बात करें तो क्लास टेंथ में आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, एक सेकेंड में देख लेता हूँ। चलिए परफेक्ट, ठीक है, तो टोटल 15 चैप्टर्स हैं। तो इन 15 चैप्टर्स में अगर हम देखें तो हर एक चैप्टर से आपका बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और आपको अगर ये चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है तो आपके सभी चैप्टर्स को, आपकी सब चैप्टर्स में एक बराबर पकड़ होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे हर साल गारंटीड बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर उनकी चीजों के बारे में अगर आपको ठीक तरीके से नहीं बताया जाए तो आप क्या करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसका इफेक्ट पड़ता है आपके मार्क्स में। तो बच्चों, मेरे जो टीचर थे वो मुझको अक्सर एक बात बोला करते थे कि एग्जाम में अगर एक आसान क्वेश्चन आपसे छूट जाता है तो आपने ज्यादा बड़ी गलती की है, और एक मुश्किल क्वेश्चन आया था जो आपसे नहीं बना तो उससे ज्यादा गलती है कि आपसे कोई आसान क्वेश्चन छूट जाए। क्योंकि एक आसान क्वेश्चन जिसको सभी बच्चे आंसर करने वाले हैं उसके बेस पर आपके नंबर्स में, आपकी रैंक में बहुत इफेक्ट पड़ता है। लेकिन एक मुश्किल क्वेश्चन जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं सॉल्व करने वाले, उससे रैंक पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, लेकिन थोड़े बहुत तो मार्क्स का डिफरेंस आता ही है। तो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम, मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये ऐसे चैप्टर्स हैं आपकी क्लास टेंथ बोर्ड्स में जो बहुत ईजी हैं, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्ट्रांगली आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और आप उनके बेस पर बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। जी हाँ बच्चों, तो यही चीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और अगर आपने इन चैप्टर्स को, अगर मैं आपको बोलूं कि जो टॉप 5 चैप्टर्स भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इन टॉप 5 चैप्टर्स को भी आपने पढ़ लिया अच्छे तरीके से तो गारंटीड आपके 70% से ऊपर मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे। उसके बाद बाकी के सारे चैप्टर्स हैं उनको भी अगर आप प्रिपेयर करते जाए धीरे धीरे वन बाई वन तो 100% मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, सारे बच्चे जुड़ जाइए, मैं देख सकता हूं बहुत सारे बच्चे आ चुके, अभिषेक आ चुके हैं, मुस्कान, गोपाल, सीमा, बहुत बहुत स्वागत है सभी का बच्चों। और अगर ऐप पर बात करें तो ऑनेस्ट बॉय, आलिया, संस्कृति, नव्या, सभी बच्चे आ जाइए। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बच्चे पूछ रहे हैं कि विच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथ। जी हाँ बेटा, आज का टॉपिक यही है कि कौन से टॉपिक हैं जो क्लास टेंथ के मैथ्स में बोर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चे पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और बिल्कुल भी वीडियो के बीच में कहीं उठ करके नहीं जाना। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें कि अगर यूनिट वाइज बात करें कि यूनिट वाइज किस चैप्टर से कितना वेटेज है, पहले इस चीज को आपके माइंड में आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप बच्चों यहां पर ध्यान से देखें तो आपका पूरी पूरा क्लास टेंथ का जो आपका पोर्शन है ये टोटल 7 यूनिट्स में डिवाइड है। कितनी यूनिट्स में डिवाइड है बच्चों, टोटल 7 यूनिट्स में डिवाइड है। इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जहां पर
नंबर सिस्टम 6 मार्क्स और आपकी एलजेब्रा वाला पोर्शन जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए, ये चैप्टर्स को अगर मिला दे तो 20 मार्क्स का वेटेज। तो ये बच्चों यूनिट वाइज आपका वेटेज है, ठीक है। लेकिन यूनिट वाइज से ज्यादा एक्साइटमेंट आपको होती है कि सर चैप्टर वाइज बताओ ना, चैप्टर वाइज बताओ कि कौन सा चैप्टर मैं पढ़ लूं कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो बच्चों उसी पर हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो चैप्टर वाइज हाई स्कोरिंग टॉपिक्स आपके क्लास टेंथ के कौन से हैं उस पर हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप बात करें तो नंबर सिस्टम जो कि हमारा क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर है ना, और इस फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि भाई 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है और जो सैंपल ऑफ प्रॉब्लम है बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनसे आगे पीछे करके आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ बस उन्हीं पर बेस्ड एलसीएम एससीएफ और यूक्लिड डिवीजन लेमा अर्थमेटिक थ्योरम जो है आपकी, तो बेसिकली इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट और डेफिनेटली क्वेश्चन वहां से आता ही आता है। तो इजिएस्ट टॉपिक के बेस पर बात करें तो 6 मार्क्स के वेटेज पर ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद कंटिन्यू आप देख सकते हैं कि पॉलीनोमियल्स 3 मार्क्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहां से 8 मार्क्स का हो गया बच्चों, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो 7 मार्क्स का वेटेज है। सिमिलरली जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों हमारी 6 मार्क्स की आती है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो 6 मार्क्स। इस तरीके से ट्रायंगल, सर्किल, कंस्ट्रक्शन और ये सभी बच्चों आपका चैप्टर वाइज वेटेज हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये चैप्टर वाइज वेटेज में आपकी नजर सबसे ज्यादा कहां पर जा रही होगी ये मैं जानता हूं। सबसे पहली नजर आपकी गई होगी कि अरे वाह, यहां पर जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों टॉपिक्स को अगर हम एक साथ कंबाइंड करें, ठीक है, क्योंकि पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी फिर ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पढ़े, तो एक तरीके से ये दो चैप्टर हमारा एक यूनिट के तौर पर कंसीडर करें तो ये एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन दोनों का टोटल वेटेज आपका कितना हो गया, 12 मार्क्स का। तो अगर इसी ऑर्डर में मैं बच्चों वन बाय वन बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो सबसे पहले नंबर की प्रायोरिटी लिस्ट में मैं रखता हूं वो है बच्चों हमारी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसको बच्चों मैं सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में रखता हूं। रीजन क्या है, क्योंकि भाई जब आपने ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया उसके बाद उन्हीं का यूज करके हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और डेफिनेटली क्वेश्चन इनसे आता ही आता है। और टोटल वेटेज की अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री और उसके एप्लीकेशन का तो टोटल वेटेज बच्चों 12 मार्क्स का आपके बोर्ड्स एग्जाम में गारंटीड है कि 12 मार्क्स का वेटेज है इन दो चैप्टर से, और ये एक इनको आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई बहुत सारे बच्चों को ये माइंड में एक इल्यूजन टाइप का उन्होंने बना लिया है कि भाई ये चैप्टर बड़ा टफ होता है ना, ये टफ है, ये चैप्टर मुझसे इतनी इजीली नहीं होगा। लेकिन बच्चों मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको मैंने एक बार ये चैप्टर ठीक से पढ़ा दिया तो डेफिनेटली आप इसका बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप गारंटीड करके आओगे और बिल्कुल सही। तो बच्चों आपको चिंता नहीं करनी, मैं अगर बोल रहा हूं कि चैप्टर इजी है तो आप भी मान लो कि ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए इजी होने वाला है, क्योंकि एक बार हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, एक बार इन डेप्थ में इसके पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए तो चैप्टर आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा सबसे पहला है चैप्टर है, ठीक है बच्चों, जो 12 मार्क्स का, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री और उसके एप्लीकेशन कंबाइन कर दें तो 12 मार्क्स का वेटेज है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो जब आप ये कंप्लीट कर लोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो रिएक्शन होगा ना, आपका रिएक्शन बिल्कुल इस तरीके होने वाला है, कह रहे ये तो बिल्कुल आसान था सर, कहां पे हम फंसे हुए थे। चलिए,
ठीक है, अब ये चैप्टर जैसे कंप्लीट होता है, फिर आपको किस चैप्टर पे मूव करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों अगर मैं बात करूं तो जो सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट में हमारा आता है वो है पॉलीनोमियल्स। ठीक है, पॉलीनोमियल्स चैप्टर जो कि आपके क्लास टेंथ का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, इससे अगर मैं बात करूं तो 2 to 3 marks का क्वेश्चन आता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि सर आपने 2 to 3 marks वाले को सेकेंड प्रायोरिटी लिस्ट में क्यों रखा हुआ है। रीजन ये है कि पॉलीनोमियल्स अकेला नहीं है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ में उसके एप्लीकेशन बिल्कुल उससे जुड़े हुए हैं, वैसे ही पॉलीनोमियल्स के साथ में बच्चों जुड़ा हुआ होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्चुअल में बच्चों हम बात करें तो पॉलीनोमियल्स में जो सबसे ज्यादा चीज जिस पर हम फोकस करते हैं वो है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, और उसी पर बेस्ड सारा कुछ जो कुछ भी आपको पॉलीनोमियल्स में, आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के बारे में जानते हो, जो कुछ भी सीखते हो, उसका पूरा यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम करते हैं। तो ये चैप्टर एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं। और अगर मैं एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज 7 marks से 8 marks का हो गया, और पॉलीनोमियल्स का 4 marks, तो 7 + 4 अप्रोक्सीमेटली 11 marks का इन दो चैप्टर से कंबाइंड वेटेज आता है। और इनको भी हम अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब कि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7 marks का आता है तो पॉलीनोमियल्स छोड़ दो, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो उसके पहले पॉलीनोमियल्स को पढ़ना पड़ेगा। और इतना सिंपल है कि अगर आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा तो बिल्कुल इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के ऑर्डर में थर्ड नंबर पर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से अगर मैं अकेले बात करूं तो 7 marks का, ठीक है बच्चों, 7 marks का वेटेज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ये चैप्टर इसलिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास टेंथ के साथ साथ जब आप क्लास 11th में जाते हो, 12th में, 11th और 12th में भी इसके कॉन्सेप्ट का डायरेक्टली यूज होता है, क्योंकि क्लास 11th में एक चैप्टर आप पढ़ोगे इन फ्यूचर सिक्वेंस एंड सीरीज, वो यहीं से निकल करके जाता है। तो इन फ्यूचर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और बोर्ड्स एग्जाम में इसका वेटेज भी बच्चों 7 marks का निकल के आता है, इसलिए भी टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते अगर आपने NCERT सॉल्व कर रखा है बच्चों, ठीक है, और NCERT एग्जाम्पलर अगर आपने सॉल्व कर लिया तो ये मान करके चलिए कि इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। NCERT की टेक्स्ट बुक भी इनफ है इससे पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा आपको अलग डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, NCERT पढ़ लो, उसके बाद एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपका ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फोर्थ में अगर हम बात करें बच्चों तो फोर्थ में नंबर 4 पे आ जाता है हमारा टॉपिक आपका स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स तो सुनकर के आपको एकदम से वो आप शॉक हुआ होगा, सर स्टैटिस्टिक तो सब कहते हैं कि एकदम लास्ट में पढ़ना चाहिए, स्टैटिस्टिक को एकदम से कोई इंपॉर्टेंट नहीं बोलता। रीजन है बच्चों कि भाई ये चैप्टर एग्जाम में वेटेज इसका 8 marks का है। ठीक है, एग्जाम में वेटेज इसका 8 marks का है, और इसको सब लोग लाइटली लेते हैं, अरे कोई बात नहीं आखिरी का चैप्टर है बाद के देख लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, मीन, मोड, मीडियन फाइंड करना, उसके बाद उनके बीच में रिलेशन, इन पर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां से आता है, और 1-1 marks के और 2-2 marks के भी क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो टोटल 8 marks का वेटेज आपका केवल इस चैप्टर से होता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ में अगर मैं इंक्लूड कर दूं कि प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूड कर लो, जो कि बहुत सिंपल टॉपिक है क्लास टेंथ का, ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली 3 marks का आता है। तो 8 + 3 टोटल अगर हम बात करें बच्चों तो इस चैप्टर का वेटेज भी हमारा इन इस पार्ट का वेटेज भी 11 marks का हो जाता है। क्लियर है बच्चों, इसका वेटेज भी कितना हो जाता है 11 marks का। तो इस तरीके से ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में फोर्थ नंबर पर है, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर के, ठीक है, अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूलास को पढ़ रखा है, अगर ये आपको याद है तो फॉर्मूला बेस्ड होता है, डायरेक्टली आप टेबल बना करके कोई ज्यादा आपको यहां पर फाइट नहीं मारनी पड़ती, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, और आप इजीली इन दो चैप्टर से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, यानी कि जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं उनकी पकड़ इन चैप्टर्स में बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि अब तक जो भी चैप्टर्स मैंने ऊपर में भी डिस्कस किए हैं ये सारे हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं।
अगर ये आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो डेफिनेटली आप मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करके आएंगे। सिमिलरली बच्चों इसी ऑर्डर में आप बात करें तो रियल नंबर्स का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई फिक्स सैंपल, फिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे कि आपका हो जाता है कि सो दैट कि अगर किसी नंबर का, इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर हमारा 3 से डिविजिबल होगा, क्यूब हमारा 3 से डिविजिबल होगा, तो इन पर बेस्ड या बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर्स का जो क्यूब है वो हमारा 9m, 9m plus 1, 9m plus 8 के फॉर्म का होता है, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों यहां पर आपका पूछे जाते हैं। सिमिलरली आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गई और HCF और SCF फाइंड करने पर बेस्ड क्वेश्चन, उसी पर वर्ड प्रॉब्लम्स, तो फिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स से जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स बता दूंगा जहां से डेफिनेटली बोर्ड्स एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें तो 6 नंबर पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर आप सेक्शन फार्मूला पढ़ते हो, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पढ़ते हो, तो ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ करके आओगे। तो ये वो इजी टॉपिक है। अगर ऑर्डर में हम बात करें तो इनसे आप कंसेक्यूटिव अगर आप इनको पढ़ करके आते हो तो इजीली आप बोर्ड्स एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब धीरे धीरे हम मूव करेंगे थोड़े से टफ टॉपिक पे, जैसे कि अगर हम बात करें 7th नंबर पर आता है ट्राइंगल्स। डेफिनेटली ट्राइंगल्स की हम बात करें तो ट्राइंगल्स में जहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो आपकी है, ठीक है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन, तो 7 मार्क्स का अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर का भी एग्जाम में वेटेज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स का है ना। लेकिन थोड़ा सा थ्योरम पर बेस्ड है, क्वेश्चंस कुछ कुछ ऐसे भी बन जाते हैं जो कि कभी कभी इजीली सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टफ देखते हुए कि भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, इससे जरूरी नहीं है, इससे कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत इजी होते हैं, जैसे कि थेल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है ना, और एरिया दो ट्राइंगल्स के एरिया पर बेस्ड, उनका रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि अगर 7 to 8 मार्क्स का इसका वेटेज है तो यहां से 5 मार्क्स तो डेफिनेटली आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है बच्चों। 5 मार्क्स तो आप इजीली इस चैप्टर से अचीव कर ही सकते हो। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जहां पर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है या क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल आ गया तो सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको प्रियोरिटी लिस्ट में 7th नंबर पर रखा है, जहां से आप इजीली अगर मैं बात करूं तो 5 to 6 मार्क्स तो आप यहां से लेकर भी आ सकते हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, लेकिन कैलकुलेशन वगैरह होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से कई बार आंसर गलत हो जाने की वजह से इसमें मार्क्स कट जाते हैं, और ये इसका भी एग्जाम में वेटेज बच्चों 7 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो मार्क्स का एग्जाम में वेटेज इसका भी 7 मार्क्स का है, तो अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन करते हो, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो ये 7 मार्क्स भी आपके कहीं पर नहीं गए, कंप्लीट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट बहुत इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो इस ऑर्डर में 8th नंबर पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हमने रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें तो 9th नंबर पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब ये वो मार्क्स, वो क्वेश्चन, वो टॉपिक है जहां से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत इजी है। एक्चुअल में 9th नंबर पे यहां से 3 to 4 मार्क्स का, ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम में वेटेज 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है ना। यहां से वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाती है कभी कभी, है ना। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो सब पढ़ा है तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपके लिए बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो 3 to 4 मार्क्स का वेटेज है, तो इजीली इसको भी हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आ गया ये चैप्टर, है ना, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसका भी बोर्ड्स एग्जाम में वेटेज 3 to 4 मार्क्स का है। मतलब ये वो चैप्टर्स है जिनसे 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों, जिसमें से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो पहले उन चैप्टर्स को कवर कर लीजिए जहां से ज्यादा मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इन टॉपिक्स पर मूव करके आपका
आ जाएगा। तो ये बच्चों आइडिया वो है कि जब आप सारे चैप्टर पढ़ लेते हो तब आपके दिमाग में आइडिया ये रहना चाहिए कि भाई अब मुझे किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना होगा। देखिए आपके जो क्लासेस लगती हैं डाउटनेट पर वो बिल्कुल ऑर्डर में लगती हैं, यानी कि पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो टीचर्स आपको बिल्कुल ऑर्डर में पढ़ाते हैं। तो उसमें आपको ये देखना है कि भाई हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट वाला आ गया, इस चैप्टर पर पूरा फोकस लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, होमवर्क जो दिया जाए आपको होमवर्क को ठीक तरीके से सॉल्व करो ताकि आप पूरे अच्छे तरीके से उस चैप्टर को सीख जाओ। तो इन सभी आइडियाज को आपको यूज करना है अपनी क्लासेस में, तो आपको डेली रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करनी है। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे एंड में कंस्ट्रक्शन है, जहां से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है 4 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन है कि कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर को हम सबसे एंड में करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भूल जाती है तो इसलिए उसको एंड में रखा जाएगा, तो इसको एंड में करेंगे। लेकिन ये भी आप इजीली, अगर आपको मैंने एक बार बता दिया तो 4 मार्क्स भी आपके कहीं नहीं गए। तो अगर प्रियोरिटी लिस्ट में बात करें बच्चों तो वो 5 चैप्टर्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलीनोमियल्स, उसके बाद अगर हम बात करें आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद बात करें तो रियल नंबर्स, तो ये टॉप 5 चैप्टर्स आप मान सकते हो जो कि हाई स्कोरिंग है, बहुत इजी है, एक बार अच्छे तरीके से आपने समझ लिया तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज के सेशन का जो मतलब है, जो मोटिव है, पूरा हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि किन चैप्टर्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस से करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छे से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और जल्द ही आपकी इसी YouTube चैनल पर आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, डाउटनट ऐप पर भी आपकी रेगुलर क्लासेस क्लास 10th की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जरूर से आप अपने फोन पर आज ही डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करें और डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके फोन पर आएंगे तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे जल्दी ही ऐसे एक अमेजिंग सेशन के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।